नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बेसिकली बात करने वाले हैं, ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला हम सब के लिए जो भी यहाँ पे जॉब का सर्च कर रहे हैं। अब दोस्तों, मेरे पास आप लोगों में से मैक्सिमम लोग के कॉमेंट आते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि हाँ जी, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर कोई काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा है पर उनको जॉब अच्छे कंपनी में नहीं लग पा रहा है या फिर वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे या फिर वो जॉब कर भी रहे, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है पर उसके बाद भी उनके एक बड़ा एक्सपोजर या फिर एक अच्छी सैलरी पैकेज नहीं मिल पा रही है। और दोस्तों, इन सब का जो कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारे पास एक तो इन डिमांड स्किल नहीं है और सेकेंड दोस्तों, हमारा जो कॉलेज आपको हमारा जो स्कूल है वहाँ पर हमें पता ऑलरेडी कि हमें वो चीज़ें नहीं बताई जा रही है, वो चीज़ें हमें नहीं सिखाई जा रही है जो कि हमें एग्जैक्टली प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत है। और दोस्तों, इन सब का जो कंक्लूजन है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें जॉब नहीं मिल रहा है तो एक इन डिमांड स्किल को सीख लेना, एक ऐसे स्किल को सीखना जो कि हाईएस्ट पेइंग स्किल है, जहां पे आपको सैलरी पैकेज बहुत टॉप क्लास मिल सकती है, ग्रोथ आपको बहुत टॉप क्लास मिल सकता है, दैट विल बी द बेस्ट डिसीजन। अब दोस्तों, आज के टाइम पे आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आपको बैक एंड का कोर्स करना है, आपको फ्रंट एंड का कोर्स करना है, आपको डेटा साइंस सीखना है, बहुत ही हाई यहाँ पे फीस पे करना पड़ता है आपको। और फीस पे करने के बाद दिक्कत ये होती है कि आपको जॉब मिलने की भी गारंटी नहीं होती कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो पहले एडवांस में पैसे पे करो, उसके बाद आप कोर्स कर रहे हो और उसके बाद जॉब मिलने की भी गारंटी नहीं होती है। पर दोस्तों, इस समय एक सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे नजर आता है, वो दोस्तों यहाँ पे होने वाला पे आफ्टर प्लेसमेंट का, जहाँ पे दोस्तों बेस्ट पार्ट ये होता है, जैसे हम जैसे जो भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक साथ लाख दो लाख तीन लाख रुपये पे कर पाए या फिर आप पे भी कर पा रहे तो भी सिक्योरिटी जॉब के नहीं है, तो इन दैट वे पे आफ्टर प्लेसमेंट कैन बी द बेस्ट चॉइस मेरे हिसाब से दोस्तों। तो यहाँ पे जहाँ पे कंपनी आपकी गारंटी ले रही है कि यहाँ पे आपको सारे चीज़ सिखाई जाएगी डेडिकेटेड तरीके से और उसके उसमें प्रैक्टिकल चीज़ सिखाई जाएगी और गारंटी दोस्तों आपको टॉप क्लास कंपनी के अंदर जॉब भी मिलेगी, तो दोस्तों पे आफ्टर प्लेसमेंट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हियर जिसको भी बड़े कंपनी में जॉब करना है। अब दोस्तों, आज के टाइम पे आपको बहुत सारे पे आफ्टर प्लेसमेंट मिल जाएंगे, पर गाइस मैं यहाँ पे आपको पता है, मैं ऑलरेडी पहले ही बात कर चुका हूँ फंक्शन अप के बारे में, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप फंक्शन अप के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं और फंक्शन अप क्या क्या चीज़ सिखाती है आपको, कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे और क्या यहाँ पे पेमेंट मतलब क्या यहाँ पे आपसे चार्जेस करेंगे, ये सब कुछ दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन सबसे पहले गाइस, अगर आपको ऐसे जॉब के अपडेट चाहिए या फिर आपको ऐसे ही पे आफ्टर प्लेसमेंट के अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा देना आप। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं बेसिकली यहाँ पे फंक्शन अप के प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ। अब गाइस, एक दो चीजें मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले मैं ये चीज बताऊं आपको दोस्तों, मुझे कुछ गुड न्यूज दे देना है। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो पहला गुड न्यूज ये है। सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे आप यूएस बेस्ड कंपनी के अंदर मतलब आप चाहे तो सिंगापुर यूएसए के अंदर जाकर काम कर सकते हैं और 40% इनके जो भी लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों, ये इन कंपनीज के अंदर काम भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे आप बहुत ही बड़े कंपनी जैसे मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसे टॉप क्लास पेटीएम हो गया, ऐसे टॉप क्लास दोस्तों कंपनी के अंदर काम करने वाले, तो ये सारा दोस्तों गुड न्यूज है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हम बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट योर टेक करियर एंड पे आफ्टर फर्स्ट सैलरी 100% प्लेसमेंट विद मिनिमम पैकेज ऑफ 5 LPA, तो ये सारा दोस्तों ऑलरेडी हमने बात कर लिया। आगे चलते दोस्तों और हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है और एलिजिबल क्या है। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो गाइस देखो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या तो आप लास्ट ईयर में या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके, मतलब आपको ग्रेजुएशन करे काफी टाइम भी हो गया और आपको बैकएंड का आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कोडिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, मतलब आपको कोई भी इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप लास्ट ईयर में होना चाहिए या फिर आप ग्रेजुएट हैं। सारे ही लोग, अगर आपको करियर चेंज करना है या फिर आपको करियर में गैप आ गया, इन सारे केस में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको पहले यहाँ पे एडमिशन के रजिस्टर करना है फोन नंबर से, उसके बाद आपको अपनी नॉर्मल डिटेल डालनी है, इसके बाद फिल आउट करना आपका एजुकेशन का डिटेल, इसके बाद आपको बेसिक सा एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है ताकि वो ये जान सके कि हाँ जी आप उसके कैपेबल है नहीं है, और इसके बाद आपको छोटा सा इंटरव्यू जो जिसकी बात करें उसके बाद आपका यहाँ पे जो प्रोग्राम वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये सारे इनके एलुमनाई है जो कि आप देख सकते हैं जय सरकार बेसिकली है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं बेसिकली जय सरकार जो कि फंक्शन अपके थ्रू सिलेक्ट हुए, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे गाइस। यहाँ पे बेसिकली ये निहार है जो कि दोस्तों अगेन ये फंक्शन अपके थ्रू ही सिलेक्ट हुई है, तो ऐसे गाइस आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं बेसिकली निहार सैयद है,
जो कि आप नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने फंक्शनल में ट्रेडिंग करी है और ये सारे गाइस बड़े बड़े टॉप क्लास एमएनसी कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। अब दोस्तों देखो सारे एलुमनाई यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, सारे रिसेंट प्लेसमेंट जो कि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ प्लेस हुए, तो आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं सुधांशु साहू हैं, ये यहाँ पे हर्षल जामदार है, तो यहाँ पे सारे लोग हैं जो कि रिसेंटली यहाँ प्लेस हुए, तो आप इनके बारे में भी, आप रिसेंटली इनसे भी आप चाहें तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हाँ जी सच में आज पलारी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बेसिकली दोस्तों यहाँ पे फंक्शन में ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो ये सारा दोस्तों लोग जो कि ऑलरेडी यहाँ पे काम, इन्होंने ट्रेनिंग यहाँ से और आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये थोड़ी सी बेसिकली दोस्तों यहाँ पे डेवलप कोड है और डेवलप फ्यूचर, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लाइफ डाउट सेशन आपको मिलने वाला है यहाँ पे, पे ओनली आफ्टर सिक्योरिंग अ पैकेज ऑफ एटलीस्ट 5 LPA। मतलब दोस्तों मिनिमम यहाँ पे 5 LPA तो सैलरी पैकेज मिलेगी, पर दोस्तों यहाँ पे जो एवरेज सैलरी पैकेज निकली लोगों की, जिन्होंने भी यहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को इनरोल करा है, तो यहाँ पे जो एवरेज सैलरी पैकेज आई है वो तकरीबन गई 11 लाख के आसपास आई है और मैक्सिमम यहाँ पे 40 लाख रुपए तक की सैलरी पैकेज निकाल चुके हैं। तो गई सैलरी पैकेज तो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, कितने अच्छे से ट्रेनिंग यहाँ अटेंड कर रहे हैं और कितना अच्छा यहाँ पे आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं, जिसकी सारी ट्रेनिंग लोग देंगे। इसके बाद क्या बोल रहे, नो प्रायर कोडिंग स्किल रिक्वायर्ड, कोई आपने पहले कोडिंग नहीं करी कोई दिक्कत नहीं है, योर प्लेसमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपका जो प्लेसमेंट सारा जिम्मेदारी ये लोग लेने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं क्या बोल रहे, वी हेल्प यू ब्रेक द ग्लास सीलिंग विच ब्लॉक्स एंट्री टू टेक, मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको सारे चीज सिखाना, जैसे कि यहाँ पे टेक का स्किल हो गया, फर्स्ट सैलरी पैकेज हो गई आपको मतलब दिलाएंगे ये लोग। इसके बाद एलुमनाई के साथ आप नेटवर्किंग बहुत सारा करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो स्किल है वो अपग्रेड होता रहेगा यहाँ पे। तो ये सारा दोस्तों डिटेल जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों बेसिकली पेमेंट का प्रोसेस के बारे में आगे लास्ट में हम बात करेंगे, और इसके बाद आगे बढ़ते हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली कि आपका जो 4 महीने का डेडिकेटेड जो कोर्स है उसके अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा, क्या टाइमिंग रहेगी, इनके बारे में पहले बात करते हैं। तो भाई देखो पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि टाइमिंग क्या रहेगी, तो आप देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, टोटल 9 आवर्स डेडिकेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑन अ डेली बेसिस। तो यहाँ पे गाइस आपको पूरा फुल टाइम देना है यहाँ पे, तो 9 घंटे आपको डेली देने 4 महीने के लिए, ऑलमोस्ट एक आध हफ्ते ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो 4 मंथ आपको डेडिकेटेड ट्रेनिंग दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर 2 से 3 घंटे यहाँ पे लोग आपको थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे काम कराएंगे, आपको वो बताएंगे आपको। 2 से 3 घंटे दोस्तों यहाँ पे होने वाला है मेंटर सेशन का, डाउट सॉल्विंग का और यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन का, और इसके बाद दोस्तों 4 घंटे की आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों सारा मिक्सअप रखा और ज्यादा इन लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया है प्रैक्टिकल चीजों, दैट इज द बेस्ट पार्ट यहाँ पे। इसके बाद गाइस यहाँ पे देखो ये देख सकते हैं इनका कोहार्ट का प्लानिंग होने वाला है। तो पहले वीक में क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट गेट स्टार्टेड लर्न द बेसिक ऑफ वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS एंड JavaScript, मतलब पहले हफ्ते में आपको थोड़ा बेसिक चीज बताने वाले हैं कि HTML क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है। सेकेंड वीक में यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, डीप ड्राइव इन JavaScript एंड एडवांस फीचर। तो यहाँ पे आप अगले वीक में दोस्तों यहाँ पे JavaScript के बारे में सीखने वाले डिटेल में, यहाँ पे आप सीखने वाले एडवांस फीचर के बारे में दोस्तों। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, थर्ड वीक में यहाँ पे गेट फैमिलियर विद टूल्स, वर्जन कंट्रोल सिस्टम विद GIT, लिनक्स कमांड एंड पोस्टमैन। तो ये सारा दोस्तों चीज आपको सिखाया जाएगा थर्ड वीक में। 4 से 6 के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, लर्न अबाउट द मोस्ट यूज टेक्नोलॉजी यूज इन द बैक एंड, Node.js एंड DBMS, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का टाइम होता है बैक एंड में। तो ये आपको 4 से 6 हफ्ते में बताने वाले हैं। 7वें हफ्ते में दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्राइव इन स्पेशलाइज टेक ऑफ एडवांस बैक एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कोचिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, कोचिंग हो गया, इसके बारे में कैचिंग हो गया, इसके बारे में डिटेल बताने वाले। और इसके बाद 8वें वीक में क्या होगा, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट सेटअप बताने वाले आपको। 9 से 10 में क्या बोल रहे हैं, लर्न एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर, गेट ट्रेंड इन स्किल रिक्वायर्ड टू गेट सिलेक्टेड इन इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर बताया जाएगा, एल्गोरिदम बताया जाएगा और साथ साथ आपको वो स्किल सिखाए जाएंगे जिससे आप इनके इंटरव्यू क्रैक कर पाए। और 12 से 6 जो 16 महीना होता है, जो कि दोस्तों आपका लास्ट महीना होने वाला है, यहाँ पे प्रोडक्शन डेवलपमेंट विद स्प्रिंट प्लानिंग बताई जाएगी आपको, स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट एट टॉप कंपनी। तो यहाँ पे आपको टॉप कंपनी में प्रोजेक्ट मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा, फेस रियल चैलेंजेस फाइनल गेट अप जॉब। तो यहाँ पे आपको रियल इंटरव्यू आप देने वाले हैं और उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो ये दोस्तों सारा डिटेल यहाँ पे होने वाला है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में यहाँ देख सकते क्या बोल रहे हैं, आर पे आफ्टर प्लेसमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट इन स्टूडेंट, पे 0 upfront fees टिल यू हायर्ड विद सैलरी अबव द थ्रेशहोल्ड अमाउंट। तो यहाँ पे मिनिमम आपको 5 लाख की सैलरी पैकेज मिल जाएगी, उसके बाद आपको पे करना है। पे 0 tuition fee अंटिल यू गेट अ हाई पेइंग जॉब, मिनिमम 5 लाख का मिल रहा है आपको, ऑलरेडी बात कर ली हमने। प्रॉमिस अस टू पे अ फिक्स अमाउंट इन अ ड्यूरेशन ऑफ 36 मंथ।
तो यहां पे आपको 3 साल तक कुछ स्मॉल अमाउंट पे करना पड़ेगा, और इसके बाद क्या बोल रहे हैं 50% स्कॉलर मिलने वाला सीधे फीमेल को। तो अगर आप एक फीमेल है तो आप तो इस चांस को मिस कर ही नहीं सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये सारे इनके इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आप देख सकते हैं, और नीचे दोस्तों यहाँ पे ये सारे डिटेल है जो कि आप ये सारे इनके एफएक्यू है, तो इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हु ऑल एलिजिबल, तो यहाँ पर जैसे बताया आपको ऑलरेडी मैंने कि दोस्तों जो भी यहाँ पे कॉलेज कर रहे लास्ट ईयर में या जो भी ग्रेजुएट वो सारे कर सकते हैं, और जो दोस्तों मिनिमम 7-4 घंटे दे सकते हैं 5 डे इन अ वीक में, वो सारे एलिजिबल होने वाले। क्या बोल रहे हैं कि डज फंक्शन अप हेल्प मी टू गेट अ जॉब, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 100% गारंटी दे रहा है। सो गाइस ये सारे आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे आपको टॉप क्लास कंपनी के अंदर जॉब मिलना, जैसे देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन अप एलुमनाई वर्क एट लीडिंग टेक कॉस, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अमेजोन, एडोबी, क्रेट, सीएचएट, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, मतलब ऐसे आपको 58 से ऊपर कंपनियां मिलने वाली है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो ये सारा दोस्तों डिटेल और इनका ये स्टोरी है जिसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो गाइस ये सारा डिटेल है, ये सारा दोस्तों इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है कोर्स का। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या पे करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे बेसिकली आपको 36 मंथ तक तकरीबन आपको 17% के आसपास यहाँ पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों 3 साल का मतलब बेसिकली ये है कि आपकी आपको बेसिकली बीच में अगर आपका जॉब चला गया सपोज, तो यहाँ पे ये लोग दोबारा आपको हेल्प करेंगे जॉब ग्रैब करने में। उसके बाद जॉब लग गया आपको तो उसके बाद पे करना, ऐसा नहीं कि जॉब चला गया तो बीच में आपसे पैसे लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोबारा जॉब लगा उसके बाद पे करना। ले सपोज कि आपको 1 लाख रुपए की सैलरी पैकेज मिली तो उसमें से 17% आपको देना है जो कि 17,000 रुपए होते हैं, मतलब 1 लाख रुपए आपको जो भी आपका इनहैंड सैलरी पैकेज है 1 लाख रुपए, अगर आपका सीटीसी है 80,000 आपका इनहैंड आ रहा है तो उसमें से आपको 17% पे करना है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट करना जो कि हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल बता देंगे। सो गाइस मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिनका भी दोस्तों जॉब नहीं लग रहा है वो इसको जरूर ट्राई करना, स्पेशली फीमेल जिनको 50% का स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो आप सारे यहाँ पे चेकआउट करना दोस्तों, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी पिन कर दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट करके यहाँ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी बेसिकली आज की एक अपडेट, आई होप दोस्तों कि ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप बड़े टॉप क्लास एमएनसी कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर सकते हैं। तो गाइस सारे यहाँ पे चेकआउट कर लेना। अब दोस्तों लिंक जैसा बताया मैं आपको नीचे दे दूंगा आपको। दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक और ओपनिंग से, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।